बूम, ये सब मेरे क्रिएशन से करे हुए। नाउ अब हम न्यू पेज ओपन करते हैं। ये मैंने न्यू पेज लिया। अब यहाँ पर अपन को साइज़ देना है। मैं जो 8 इंचज़ बाय 8 इंचज़ का सही लगा, अब इसमें हम डाल देते हैं इन्फोग्राफिक्स लोगोज, है ना, या इन्फोग्राफिक्स, खाली इन्फोग्राफिक्स मोनोज, कुछ भी डाल सकते हो यार, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, सॉरी। इन्फोग्राफिक्स मोनो कर दिए, ठीक है, 8 इंचज़ बाय 8 इंचज़ कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लीड छोड़ना हो, एडवांस्ड ऑप्शन भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं, मोर सेटिंग्स में भी आप जाके देख सकते हो, पर इतना मत उलझना, कस्टम में जाना, देन साइज़ लेना या लेटर साइज में करके देन क्रिएट, सिंपल। इस पेज को अपन ने ओपन करा, फाइन। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करोगे तो सेंट्राइज हो जाएगा पेज का, क्या, कंट्रोल ज़ीरो। नाउ देखो भाई, इन्फोग्राफिक्स क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, मैं डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, मुझे बहुत सारा टाइम हो गया इस फील्ड में, तो ब्रांडिंग, प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग मुझे मोस्टली चीज़ें आती हैं। तो मैं जस्ट आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अब से। अभी तक की पहली वीडियोस जो मैंने डाली थी वो तो सिर्फ एक बस ट्राई कर रहा था मैं। देन अब मैं आपको सामने बैठ के समझाता भी रहूँगा बाय फेस, और ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इससे आपको काफ़ी सारी सपोर्ट मिलेगी इन फ्यूचर भी और स्टिल अभी भी। सो प्लीज़ आगे मत करना, वीडियो पूरी देखना। चलिए अब अपन चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले अपन को लेना है लाइन सेगमेंट टूल, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट की है लेफ्ट स्लैश टूल भी है, ठीक है, शॉर्टकट लेफ्ट स्लैश, पर अपन यहाँ से लेंगे, इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। देन रोटेट पे अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपन को डिग्री लेना है 360 ऑब्लिक 5। क्यों 5 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे 5 कॉपी चाहिए, ठीक है ना, मुझे 5 कॉपी चाहिए इस लाइन की। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के जो बॉक्स हैं वो मुझे ऑलमोस्ट 10 चाहिए, है ना। अब देखिए मैंने इसकी कॉपी पे क्लिक करा, समझ में आ रहा है, लाइन ड्रॉ करी मैंने, देन रोटेट जो ये आपको टूल्स दिख रहा है इस पर मैंने डबल क्लिक करा, ठीक है, याद रखना, और से देखना, और खैर वीडियो तो रिवर्स करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो जी मैं इस पर कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ये आप देखें एक 360 डिग्री पे एक कॉपी बन गई जिसके अंदर 5 लेयर्स होंगी, ठीक। अब इसको हमें कोई छेड़खानी नहीं करना, इसमें सिंपल सी चीज़ें, एआई ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ऑटोमेटिकली वो रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अपन को ऐसा शिफ्ट नहीं करना कि उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करें। अब अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि मैं इसमें अब लेंगे अपन एलिप्स टूल, एलिप्स टूल यहाँ मिलेगा अपन को। एलिप्स टूल के लिए शॉर्टकट है एल, बट इसको अपन लेते हैं और शिफ्ट के साथ आप पुश करेंगे इसको माउस के राइट एंगल को, तो ये एक्यूरेट रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। एक अगर अपन इसको बिना शिफ्ट प्रेस करे करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू साइज़ छोटा बड़ा आउल शेप किसी भी शेप में हो सकता है। देखिए शिफ्ट प्रेस करूँगा ये एक्चुअल साइज़ में हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको सेंट्राइज करना है। इसमें सेंट्राइज करा, अब भाई मैं चाह रहा हूँ कि यार एक एक लाइन को तो पकड़ के मैं ये छोटा बड़ा करूँगा नहीं, तो इसमें भी शॉर्टकट है, इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट करा ऑल लेयर्स को, ठीक है। गौर से देखिए क्या कर रहा हूँ, पूरी दोनों लेयर्स सारी जितनी थी वो सब मैंने सेलेक्ट करी। इसके बाद यहाँ देखिए ये पाथ फाइंडर में हम जाएंगे, यहाँ पर हम डिवाइड का ऑप्शन जो होगा डिवाइड, इसको प्रेस कर देंगे। ये मैंने डिवाइड जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ का जितनी भी बाहर साइड की जितनी भी लेयर्स थी वो सब चली गई। पाथ फाइंडर अगर आपके पास नहीं हो तो विंडो में जाना है, और पाथ फाइंडर जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F9, ये भी आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या हो गई, इसको मैं अनग्रुप करके दिखाता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं, ये पिज्ज़ा का वो बन सकता है एक लोगो टाइप का, ये देख रहे हो आप, ये पिज्ज़ा की बाइट है वो अलग से निकलती हुई दिख रही है, लाइक ये सब बाइट्स जो हैं ये अलग हैं, पूरी पूरी लेयर्स अलग हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका ऊपर का हिस्सा चाहिए, अंदर का मेरे काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा,
लसो टूल के लिए मैं क्यू प्रेस करूँगा, क्यू ओनली क्यू की। ये देखिए लसो टूल आ गया यहाँ, नहीं तो यहाँ से हम माउस पे क्लिक करे रहेंगे तो यहाँ पर लास्ट में है लसो टूल जिसका शॉर्टकट है क्यू। ठीक है, शॉर्टकट याद रखना तो उससे आसानी होगी। मैंने सिर्फ अंदर की स्लाइड को सिलेक्ट करा, इसके अंदर आप ध्यान रखना 10 पॉइंट्स हैं, ये सिंगल डॉट नहीं है, इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने सिलेक्ट करा, देन सिंपल डिलीट प्रेस कर दिया। तो ये जितनी अंदर की लेयर्स थी वो डिलीट हो गई, बाहर साइड की हमारे लिए रह गई। इसमें मुझे स्ट्रोक को बढ़ाना है तो मैं स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ, मैंने 6 कर दिया। अब मैं ये देखो आपको दिखाऊँ तो ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे इसके राउंड जो कॉर्नर्स हैं ना वो राउंड रखना। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन दोनों मैंने एनाबल कर दिए। अब देखो आप जस्ट अ मिनट लाइक दिस, ये हो गए इसके कॉर्नर्स राउंड लुकिंग गुड। तो इसको मैंने, मुझे चाहिए क्या यार, मुझे आउटलाइन से इसको हटाना है, मुझे ये जो ऑप्शन है ना ये इनेबल करना है। उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, पाथ पे जाना है, पाथ पे जाने के बाद ऑन आउटलाइन जो स्ट्रोक दिख रहा है देन इस पर सिंपल क्लिक करना, ये आपका एक फिल फॉर्म में बन गया। मैं देख रहा हूँ अब इसकी आउटलाइन हट गई, ये आ गया फिल फॉर्म में, ये देखो आप आ गया। इसमें मैं जो कलर चाहूँगा वो अकॉर्डिंग टू माई चॉइस कर सकता हूँ। ये भाई मैं जो करता हूँ लाइक दिस, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कूल, वाकई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये देखो भाई, ये एलिप्स टूल की हेल्प से अपन को काफ़ी सारा ये मिल गया और अप्रोक्स बन गया। अच्छा जी, इसमें दूसरी चीज़ अपन क्या करेंगे, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट करा, कंट्रोल ग्रुप करा, इसको साइड में रखता हूँ, अल्ट शिफ्ट के साथ मैं इसको उठाता हूँ, माउस पे कर्सर को क्लिक करे करे देन इसको छोड़ देता हूँ, तो इसकी कॉपी डुप्लीकेट बन जाएगी। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें सिंपल सी चीज़ क्या करना है, देखो भाई ऑब्जेक्ट में जाना है, वहीं वापस जाना है पाथ पे, पाथ पे जाने के बाद ऑफसेट पाथ। अच्छा, इसमें परेशानी क्या आ रही है कि ये जो चीज़ है ये देख रहा हो आप स्क्रीन पे, ये इंचेस में आ रहा है, मुझे पॉइंट्स में चाहिए। तो उसके लिए भी देख लो क्या हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है। ये रूलर्स जो लाइन आ रही है ये देखिए, ये कंट्रोल आर वापस प्रेस करूँगा ये हट जाएंगे, ये रूलर्स लाइन दिख रही है, इस पर हमें राइट क्लिक करना है या पॉइंट्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर हमें क्लिक करा, इस पर वापस गए ऑब्जेक्ट पे, पाथ पे जाने के बाद ऑफसेट पाथ। अब देखिए ये पॉइंट्स मारा है लाइक दिस। रिव्यू में ऑन कर देता हूँ, अब मुझे जितना इसका साइज़ बढ़ाना घटाना है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, मैंने 2 पॉइंट्स में इसको और बढ़ा दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, अब मैं इसका कलर ले लेता हूँ कुछ भी, तो मेरा गला जो है ना वो बोलते बोल नहीं पाता ज़्यादा लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने इसको सेंट्राइज करना, इसमें शॉर्टकट की नहीं होती कोरल ड्रॉ की तरह, याद रखना बनाना पड़ती हैं तो वो बनाने में फिर भूल जाओ, याद रखो वो कहानी रहती है। अच्छा जी, ये जो है अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये पीछे चला जाएगा, है ना, बैकग्राउंड के पीछे साइड चला। अब इसमें मज़ेदार चीज़ देखो आप, ये सब अलग हैं और ये एक इमेज फॉर्म में, मतलब ये भी उसी फॉर्म में, तो मैं उसको एक इमेज फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, इमेज इन द सेंस ये पूरा बॉक्स बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टूल से पाथ फाइंडर में, इसमें हम कोरल में वेल्ड भी बोलते हैं, इसको कई सारे नाम हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, तो स्टिल अभी यहाँ पर जो इसका नाम है, देखो आप इसका जो नाम आ रहा है कंपाउंड शेप है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है एक शेप बन गया, ये पूरा एक। अब इसमें देखो आप जैसे इसमें आ रही थी ये अलग अलग, वो उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब जो है काम की चीज़ देख लेते हैं। टैक्स लेता हूँ, टैक्स लिया, सिंपल क्लिक करा, 100% ना 90%, ओके 90%। अब यहाँ पर सिंपल है, अपन ने कोई भी फॉन्ट एज योर चॉइस आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मुझे कोई भी समझ में आ जाता है, कुछ भी ले लेता हूँ, भरोसा ज़्यादा जल्दी कर लेता हूँ ना लोगों पे, इसलिए फॉन्ट्स में भी आजकल तो लोगों की तरह फॉन्ट्स भी नहीं मिल रहा है।
हेडिंग यार, थोड़ा सा क्या पढ़ाई में हंसी मजाक हो जाना चाहिए। अलगाव नॉट बैड, ठीक है, थोड़ा सा कूल नहीं है, पर मुझे मिल नहीं रहा फोन्स, तो मैं ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहूँगा, ये सही नहीं लग रहा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एरियल, एरियल ब्लैक आई थिंक, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इज़ गुड अकॉर्डिंग, डन। सो इम्पैक्ट फ़ोन मैंने ले लिया, इम्पैक्ट फ़ोन काफ़ी कूल लग रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है, देखो टैक्स, सारे टैक्स ऑलरेडी है, तो इसका जो अलाइनमेंट है ना, सेंटर अलाइनमेंट करके रखना हमेशा। देखो इस जगह से पैराग्राफ में सब चीज़ें विंडो में ही ओपन होती हैं, यही मिलेगा सब कुछ, पाथफाइंडर, प्रॉपर्टीज, पैटर्न, फॉर जितने भी टूल्स हैं इसके, वो सब आपको विंडोज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। पाथफाइंडर्स का, इसका सेंट्राइज करा, देन इसके बाद इसका सेंटर मानना मुझे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डूम डूम, ये भी याद रखना, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर भी करना है, वर्टिकल अलाइन सेंटर भी करना है, मतलब इधर से भी सेंटर, इधर से भी सेंटर, ओके। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत डीपली समझा रहा हूँ मैं। और रो 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 90 को क्लिक करा, क्लिक करने के बाद कर्सर से एक्यूरेट सेम कलर ले लिया, ये भी आपको आता ही होगा यार, ये तो नॉर्मल, मतलब पता ही होगा आपको, आप लोग मुझसे अच्छा काम करने वाले हो। खैर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, टुम 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 टुम, ये ठीक, वापस से मैं वही प्रोसेस करता हूँ, शाबाश, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, नाउ डन। हाँ अब इसको जो है 90 डिग्रीज तो हमने कर दिया, ये इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊँ क्या, मुझे कूल नहीं लग रहा है, ऊपर मुझे ही लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है, नीचे थोड़ा सा, डन, ठीक है भाई। अब 90 तो कर दिया, पर इसमें अपन देखें कि कहीं भी वो चीज़ नहीं दिख रही कि हम 90 के अकॉर्डिंग इसको समझ सकें, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक रो, और शाबाश, इसका जो टूल है, इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्ट फॉर्म है ए, और सिलेक्शन टूल का फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है वी, ओके। तो मैंने ए प्रेस करा, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, देन इसको डिलीट कर दिया, ये देखो आप, तो ये 90 डिग्री का बन गया मेरा एक, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। देन इसके बाद मैंने वापस शिफ्ट अल्ट प्रेस करा, इसको क्लिक करा, इसको क्लिक करने के बाद उठाया, पहले याद रखना है, पहले क्लिक करना है, फिर उसके बाद उसको उठाना है, क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद शिफ्ट और अल्टर प्रेस करना है, तो रेशो के साथ ही वो पेस्ट होगा, ठीक है। अब मैंने ये सेकेंडरी इसको यहाँ ले लिया, वापस टी प्रेस करता हूँ, टी प्रेस करने के बाद इसकी मैंने डिग्री करी, हाँ 80 नहीं 70 कर लेता हूँ, ओके। अब देखो अब ये जो मैंने सेंट्राइज करा था टेक्स्ट, वो अभी यूज़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसलिए करा था कि वो सेंटर है, अभी मैं कहीं करता तो वो लेफ्ट अलाइन जाता, राइट अलाइन जाता, एक्यूरेट सेंटर में रेशो नहीं आता। तो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, आई शाबाश, दो डिलीट कर दूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, दो एरोज, दो रोज जो उसकी बनी थी, दो लेयर्स बोल रहा हूँ आप उसको, मैं डिलीट कर दूंगा, वो मैंने दो डिलीट कर दी, तो ये एक्यूरेट 70 डिग्री का हो गया। तो इतना समझ में आ रहा है ना। फिर मैंने एक और स्लाइड ली, वापस सेम चीज़ करके अल्ट शिफ्ट प्रेस करके, अब मैं इसका कर देता हूँ 30 ना 40, ओके 40 के लिए हमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ तक 70 तो कर ली थी, अब 70 में से 40 के लिए तीन स्लाइड से मुझे डिलीट करना है, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, देन 1 2 3, सॉरी ये हो गई 40 डिग्री। इन्फोग्राफिक्स, ये आपको काफ़ी कूल लग रहा होगा, ये देखो आप जितना आप उसमें डिग्री दोगे, ये आपके उसमें भी काम आ सकती है, रिज्यूम में, सीवी में, या आप कोई भी किसी को डिज़ाइन बना के दे रहा हो, विजन, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डलती हैं, जैसे ब्रोशर्स अपन किसी का क्रिएट करते हैं, विजन्स डालते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस में डिटेल्स डालते हैं, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो,
देन आप खुद के CV में यूज़ कर सकते हो कि भाई मुझे फोटोशॉप इतना आता है, कोरल ड्रॉ मुझे 90% आता है, इलस्ट्रेटर मुझे 80% आता है या 100% आता है, या एडोब फोटोशॉप मुझे 50, 60, 70 थिंग्स हो, जो भी आपको जितना आता है वो आप उसको डाल सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्या है कि आप ये जो इन्फोग्राफिक्स के मैंने बनाए लोगो, इसको आप और तरीके से बना सकते हो, बहुत इजीली तरीके से। देखो, इसमें एक और टूल्स आता है, पॉलीगन टूल, ठीक। इस पर मैंने सिंपल क्लिक करा, सिंपल क्लिक करने के बाद मैं एक क्लिक करूँगा, यहाँ ऑप्शन दे देगा स्लाइड्स का। मैंने स्लाइड्स ली 5, ठीक है। अब इसका मैंने साइज़ ले लिया 20 PT, ठीक। ये इसने स्लाइड्स दे दी, सॉरी 50 कर लो, है ना, ये थोड़ा साइज़ बड़ा दिखेगा। अब इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे वही चीज़ फिर से चाहिए इसके अंदर पॉलीगन टूल के साथ। तो देखो, इस पे मैंने क्लिक करा, पॉलीगन टूल पे क्लिक करा, यहाँ मैंने क्लिक करा, स्लाइड्स मुझे चाहिए 10, 10 पे प्रेस करूँगा तो ये 10 के अकॉर्डिंग स्लाइड्स आ जाएंगी। हर पॉइंट को काउंट करता है, याद रखना ये जितने भी इसके पॉइंट्स हैं ये इसको काउंट करता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा भाई, और से देखो थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा इसलिए ऐसा करा है। फिर मैं अगेन वापस वही लाइन पे जाऊंगा, लेफ्ट स्लैश वाली, इसको मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस करा, शिफ्ट के साथ प्रेस करने के बाद वापस रोटेट पे जाऊंगा, सेम वही चीज़ दोहराऊंगा जो मैंने पहले करी थी कॉपी करके। देखो आप, मैंने गलती क्या करी, ये मेरे पास जो था मैंने इसको क्लिक नहीं करा था, कलर जो था मैंने कलर नहीं लिया था, देन अब मैंने कलर लिया, देख रहे हो आप, तो ये मेरी गलती है। खैर, हो जाता है काम में। फिर से अगेन वही प्रोसेस करते हैं, 360 अगेन 5 कॉपी, देन डन, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, दैट्स इट। अब कंट्रोल डी करूँगा तो वो अब कुछ नहीं लेगा, ठीक है, उसी पे वापस रिपीट होगा, तो मुझे कंट्रोल डी नहीं करना। खैर, अब जो है इसकी प्रोसेस क्या है, देन ये मैंने ले लिया, अभी इसको सिलेक्ट करा, सेम वही पोजीशन, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर। अब देखो, इसमें काफ़ी हद तक पोजीशन एक्यूरेट आ रही है, थोड़ी सी अगर है तो वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद उसको रोटेट करा था, तो इसलिए वो एक्यूरेट नहीं आई थी। अब इसको मैंने रोटेट कर दिया लाइक दिस, कैसा लग रहा है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पहले इसका फिल जो है वो बंद कर देता हूँ, और अंदर का पार्ट्स जो है इसको ब्लैक कर देता हूँ, स्ट्रोक इसका वापस 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब वही वही पोजिशन सेम। अब इसको मैंने वापस ले लिया, वापस लेने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे वापस जाऊँगा, डिवाइड कर दूँगा इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा। ओ भाई, ऐसा क्यों हुआ जानते हो, क्योंकि मैंने इसका स्ट्रोक अंदर का ले लिया, बाहर का नहीं लिया। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वापस जाते हैं, डिवाइड पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा पार्ट डिवाइड हो गया। अब मैं अनग्रुप करके आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस, ये शेप पॉलीगन शेप आ गया इसके अंदर। देखो, इन्फोग्राफिक्स में अलग अलग शेप्स में अपन को डिग्री देना पड़ती है, उससे क्या है उसी को इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, और इलस्ट्रेटर ने काफ़ी आसान कर दिया है। तो इसको सिर्फ सीखो मत, इसमें दिमाग लगाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी क्रिएटिविटी है कि हाँ यार, मैं सर्कल से पॉलीगन बना सकता हूँ, फिर रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, स्टार में भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, ट्राइंगल में भी कर सकता हूँ, ये अपनी क्वालिटी है, समझ रहा हूँ आप। खैर, आप सबको मुझसे ज़्यादा आता होगा, झेल लो थोड़ा सा मुझे। अब बस मैं लास्ट से टूल लेता हूँ, इसको मैंने बीच में से सेलेक्ट करा, देन डिलीट प्रेस करता हूँ। अब ये आप इसका शेप देखो, काफ़ी सारा अच्छा लग रहा है, पॉलीगन टाइप का, क्योंकि तो ये पॉलीगन ही है। और भाई, मैं वापस वी प्रेस करूँगा सिलेक्शन टूल के लिए, इसको पूरा सेलेक्ट करा, स्ट्रोक हम ले लेते हैं 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6। अच्छा जी, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें स्ट्रोक में ज़्यादा क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इसके कॉर्नर सराउंड करूंगा, तो ये देखो आप, बीच का जो गैप आ रहा था वो जा चुका है, बीच का जो गैप था वो जा चुका है ना, क्योंकि स्ट्रोक में मैंने राउंड करें कॉर्नर्स को। तो अब जो है वापस वही प्रोसेस करेंगे,
ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाना है, आउटलाइन स्ट्रोक, आउटलाइन स्ट्रोक करने के बाद इसका कलर यही ले लेते हैं, क्या कहते हो? चलो चेंज कर देते हैं यार, मुंह मत लटकाओ आप लोग, क्या कर रहा हूँ देख रहा हूँ आप क्या लेके क्या कर रहा हूँ। तड़कता फड़कता ले लें थोड़ा सा ही, चलो तड़कता फड़कता ले लेते हैं। अब इसको ग्रुप करते हैं, ग्रुप करने के बाद वापस सेम पोजीशन, टिंग 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 टिंग, शिफ्ट अल्ट दबाया, देन इसके बाद वापस मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ, पाथ में जाने के बाद ऑफसेट, अब प्रीव्यू क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो टू पॉइंट पे है तो वो हो जाएगा। अब जो है अंदर का तो मुझे वही लेना पड़ेगा, क्या कहते हो भाई, हाँ तो इसको हम कर लेते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद इसका कलर कर देते हैं ये, फिर इसके बाद इसको ले आते हैं इधर, इसको चला लो ऊपर, अब करो इसको सेंटर जो होगा यहाँ से, ठीक है भाई इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये एक अलग टाइप का बन गया थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा ही चमक रहा है, इसको मैं कम कर दूँ ब्लैक, कुछ भी कलर्स वाइंड्स हो आप डाल सकते हो इसमें, ये तो मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, आप बोर हो रहा होगा इसलिए, पर ये चीज़ें आगे चल के बहुत काम आनी है, मैंने भी सीखी हैं। मैंने बहुत मेहनत कर कर के सब चीज़ें सीखी हैं, और आपको तो अब YouTube का ज़माना है तो बहुत आसानी से सब चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, काफ़ी हद तक मुझे भी कई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट डन हो चुकी है मेरे हिसाब से। इसको अपन ग्रुप कर लेते हैं, इसके अपन सेंटर में इसको, भाई इसको क्या करना रहता है कि जो अपन को, अच्छा हाँ ये भी देख लो, ये मैंने सेलेक्ट करा, ये सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो चीज़ अपनी सर्कल जो भी अलाइनमेंट अपन को करना है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, जो चीज़ अपन दूसरी बार सेलेक्ट करेंगे। फिर से समझो, ये मैंने सेलेक्ट करी, शिफ्ट के साथ एक क्लिक करा, ये दोनों सेलेक्ट हो गई ऑलरेडी, पर मैं फिर से एक बार सिंगल क्लिक इस पर मारूंगा तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी पर वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगी। तो उसके लिए मैंने सेंट्राइज करा उसको। अब 90 डिग्री जो है उसको लेकर आना, कंट्रोल सी, कंट्रोल इसको उठाया, अल्ट के साथ वापस नीचे रख दिया, ठीक है। अब जो है यार एक मिनट, फंडा क्या उलझ रहा है कि मैंने ये सब ग्रुप करा है, ग्रुप में ग्रुप को उठा लिया, अब नहीं होगा ऐसा। अब जो है वापस मैं वही कलर ले लेता हूँ, वही कलर लेने के बाद 90 डिग्री हो ही गया, अब मेरे हाथ से शायद टैप प्रेस हो गया तो ये सब चीज़ें गायब हो गई, अब वापस आ गई। खैर ये 90 डिग्री के लिए मैंने कर तो लिया, अब मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, ये डिलीट करा, अब भाई डिलीट हो जाओ, ये डिलीट हो गया, तो हम इसको वापस सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ इसको शिफ्ट के साथ रखते हैं, देन अगेन वही प्रोसेस, ये हो गया। अब जो है यहाँ पे 90 की जगह हमें करना है 70, सेम पोजीशन नहीं लेते हुए 80, देन इसको कर देते हैं 10 कर देते हैं, ओके। अब जो है 80 के लिए हमें क्या करना होगा भाई, ए प्रेस करना होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको डिलीट, देन ये 10% चाहिए तो सबको डिलीट, टूम 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 टूम, ये भी डन, ये 10% का साइन हुआ, ये इन्फोग्राफिक्स में पॉलीगन टाइप का एक लोगो बन गया। सो ये 80 हो गया, ये 90, ये 10, ये 40, ये 70, तो ऐसे काफ़ी सारे कूल टाइप डिज़ाइन आप बना सकते हो इसके अंदर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर, फॉरवर्ड सब